हम लोगों ने ऑलरेडी खाना खा चुका है और सब थक हार गए हैं क्योंकि खाना आज का हम लोग का बहुत ही ज़्यादा डाउन था। लेकिन अभी हम फ्रिज में आए हैं कुछ बढ़िया सी आइसक्रीम खाने के लिए। सबके चेहरे दिखाते हैं कैसे खिलखिला गए हैं फ्रिज में आने के बाद। अरे वाह, अरे अरे, ये भी बड़े भैया कैसे लग रहे हैं फ्रिज में आके? इतनी प्यारी बिरयानी खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भी आते तो भी चलता, लेकिन कोई यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है इसलिए शायद आज वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। क्यों भाभी खूबसूरत भाभी आज बहुत अच्छी लग रही है हमारी। बहुत सुंदर सुंदर तैयार होके आई हैं। कैसा लग रहा है आइसक्रीम ट्राई करने अभी तक? कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है, तुम लोग भी वो लग रहा है अभी तक? बस खाली कलरफुल लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये पापा वाला बन रहा है, पापा मम्मी का है ना? किसकी आइसक्रीम सबसे बेस्ट है अभी तक आपको लगी? मुझे पापा की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। पापा की आइसक्रीम पतली करवा दे, वो फेंक दिया। उसके बदले में आइसक्रीम नहीं दिया? नहीं, बोला था कि मैं अच्छी अच्छी रहेगा। अभी आप खा जाओ, नट्स भी नहीं खाते। ठीक है, तो हम सब लोगों ने आइसक्रीम ले लिया है। मुझे सबसे अच्छी मेरी आइसक्रीम लगी अभी तक। मुझे सबसे अच्छी आइसक्रीम मेरी लगी अभी तक, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। बाकी उसके बाद अच्छी लगी मुझे भैया की, फिर पापा की, फिर भाभी की, और मोटू की मेरी और सेम ही है आई थिंक, लेकिन मेरी ज़्यादा बेटर है बिकॉज मैंने बहुत अच्छा। और भाभी का तो भैया आइसक्रीम में नहीं आता। कैसा है भाभी? सूदिंग है? पापा आपको कैसा लगा? जब ऑप्शन है तो ले लो ना आप एक भी। मेरे को तो कुछ वही नहीं है। कैसा टेस्ट आ रहा है थोड़ा एक्सप्लेन करो। अच्छा, कैसा? चॉकलेट जैसा मीठा चॉकलेट या हॉर्लिक्स चॉकलेट? चॉकलेट। कितने सारे लोग हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। रात के भी बज रहे हैं 1:15, फिर भी इतने लोग हैं।
बात चले। अंदर कितना शोर है यार, इसमें आवाज ही नहीं आ रही होगी। अगर मैं देखूं इधर अंदर जाके तो ये भैया यहाँ से बिल बना रहे हैं और यहाँ से सारे लोग आइसक्रीम लगातार खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। मम्मी आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे हर जगह हम लोग देख सकते हैं कि तिरंगा लग चुका है। इंडिपेंडेंस डे की पूरी फील आ रही है, इंडिपेंडेंस डे की पूरी फील आ रही है। हर जगह यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, काफी प्राउड वाली फील आ रही है। और आज जब मैं और नया हम इधर मार्केट प्लेस से गुजर रहे थे, और जो अभी कैंपेन चल रहा है हर घर तिरंगा, तो लिटरली हर घर में तिरंगा लहरा रहा था। बहुत ही पेट्रियोटिक सा फीलिंग आ रहा था हम लोगों को, बस वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाँ, बट बहुत अच्छा लगा हमें। क्या डायरेक्शन मिल रही है हम लोगों को? यहीं से वापस। यहाँ हम लोगों ने बॉटल एक्सचेंज कर ली है, आदान प्रदान हो रहा है। सीधे चले घर 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 सीधे चले क्या करने? खाली वो भी मिलेगा, खाली ये भी मिलेगा। ब्रिज मिलेगा ना, ब्रिज वो आएगा सजावट वहाँ पे, ब्रिज मिलेगा मम्मी, बहुत अच्छा सजावट वाला। सामने से जाओगी तो जैसे एयरपोर्ट चलो। हाँ एयरपोर्ट चलते हैं, बहुत अच्छी हवा चलेगी वहाँ पे। एयरपोर्ट में वो कर सकते हैं गो कार्टिंग अभी बंद हो गया होगा यार रात को। और अभी खा भी चुके हैं, कुछ खाने के लिए होता तो अलग बात है। घर चलो भैया, नो प्लानिंग्स। इतना डिस्कशन करने के बाद अभी हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं वापस से। गच्चीबोली फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग अभी टर्न लेके घर जा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सजा रखा है। मैं इनफैक्ट इसी चीज की बात कर रही थी कि हर जगह अब तिरंगा लग चुका है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सेलिब्रेशन जश्न बन रहा है हमारा, है ना? कितना प्यारा लगा, कितनी अच्छी लाइट आ रही है हम लोग के मुंह के ऊपर। इस बार सही में ऐसा डेकोरेशन और लोगों के घरों के ऊपर सब लोग फ्लैग लगा रहे हैं। हाँ, स्पेशली सबने एकदम बाहर लगाया कि आप देखो अभी तो रात हो गई है, अगर नेक्स्ट व्लॉग बनता है अगर इंडिपेंडेंस डे के पहले, आई एम श्योर आप वो कवर करना और लोगों को जरूर दिखाना कि हैदराबाद तिरंगे में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत, और मतलब यहाँ से पेट्रोल पंप हो रही है क्या बोलते से टोल गेट पे नहीं, हर जगह हर चौरस्ते पे लगा रखा है। बिल्डिंग बन रही है, कितने कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे भी है, अभी आगे वो जो बिल्डिंग थी उसमें भी दिखेगा। और ये भी बात है कि जहाँ पे हमारे घर के पास जहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट लाइट दिखती थी रोड्स पे, वहाँ पे भी पूरी चारों तरफ उसका वो लाइटिंग क्या बोलते थे LED लाइट से पूरा लगा रखा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और मतलब इस बार असली में फीलिंग आ रही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है। बट सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन तो हो रहा है जस्ट लाइक दिवाली एंड होली और जो भी मतलब कलरफुल फेस्टिवल्स जैसे इंडिया सेलिब्रेट करता है। हां वैसे ही स्टाइल में सेम इस बार इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट हो रहा है। और सिर्फ हाँ, छोटे छोटे बच्चों से लेकर
जैसे कि मैं आप लोगों के साथ इतनी एक्साइटमेंट में बात कर रही हूँ, असली की फीलिंग है, ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए, असली में अंदर से कुछ फील आ रहा है, इसीलिए इट्स गोइंग टू बी। वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो कि हमारे पिताजी ने हमसे पूछा था कि ये 75th एनिवर्सरी है, आई मीन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है या 76th, आपको क्या लगता है? आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि अगर आपको किसी को विश करना है तो क्या बोलोगे, 75th या 76th इंडिपेंडेंस? और एक और क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कहते हैं रात में घूम रहे हैं, तो हमारे इंक्विजिटिव जो नेचर है उसमें ये आ रहा था कि हैदराबाद में और क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो थोड़ी सी यू नो एक्साइटिंग हो, फन हो, और जिसमें मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो लाउड म्यूजिक ही हो, कुछ सूदिंग भी हो, कुछ अच्छा अमेजिंग देखने के लिए भी हो, है ना, समथिंग डिफरेंट। हाँ, समथिंग डिफरेंट। तो वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपने क्या एक्सप्लोर किया है जो हमें करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। बाय बाय। पापा को चलाने में बहुत